एक जेब्रा छोटे बच्चे को मार ही देता, क्योंकि यह बच्चा दूसरे जेब्रा का है जो ठहरा। नर जेब्रा छोटे बच्चे के पैरों पर जोर जोर से काट रहा होता है। बाकी के जेब्रा ये सब होता देख रहे थे। कोई भी छोटे बच्चे की मदद नहीं करता। तभी बच्चे की माँ आ जाती है और बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नर जेब्रा छोटे बच्चे को नहीं छोड़ता। जेब्रा का बच्चा मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन नर जेब्रा भी बच्चे के पीछे भागकर पकड़ लेता। बच्चे को नर जेब्रा नहीं छोड़ता। आखिर कुछ देर के बाद बच्चे की माँ अपने बच्चे को नर जेब्रा से बचाने में कामयाब हो जाती है।